हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश के वीक नंबर 13 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 13 टॉपसी टर्वी लैंड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है बच्चों न्यू वर्ड्स। टॉपसी टर्वी, इसका मतलब होता है बच्चों अपसाइड डाउन। प्लेजर, प्लेजर कहते हैं इंजॉयमेंट को। ग्रैंड, ग्रैंड कहते हैं बिग, इट मीन्स बहुत बड़ा। नाउ फर्स्ट इज सी द पिक्चर, पिक्चर को देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो बच्चों आप यहाँ पर इस पिक्चर को देख सकते हैं। क्वेश्चन इज डू यू कीप योर बुक्स एंड स्कूल बैग एट अ प्रॉपर प्लेस, क्या आप अपनी बुक्स और अपने स्कूल के बैग को प्रॉपर इट मीन्स सही जगह पर रखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज योर रूम लुक लाइक द वन शोन अबव, क्या आपका रूम ऊपर दिखाए गए इस रूम के जैसा ही है। तो बच्चों इसका आंसर है नो। यहाँ पर जितना भी सामान है वो उथला फुथला पड़ा है, इट मीन्स इधर उधर पड़ा है, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं रखा हुआ है। नेक्स्ट इज डू यू प्ले विद अ बॉल इनसाइड योर रूम, क्या आप अपने कमरे के अंदर बॉल से खेलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है नो, हम कमरे में बॉल से नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट इज डू यू कीप योर शूज एंड सॉक्स एट अ प्रॉपर प्लेस, क्या आप अपने शूज़ और सॉक्स को सही जगह पर रखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है येस, हाँ। नाउ क्वेश्चन इज रीड द पोएम, पोएम को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, लोग अपने हेड्स पर वॉक करते हैं इट मीन्स चलते हैं। समुद्र जो है वो किसका बना हुआ है, रेत का बना हुआ है, सैंड का है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, बच्चे रात में स्कूल जाते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, सामने के दरवाजे का जो स्टेप है, सीढ़ियाँ हैं, वो कहाँ पर है, पीछे की ओर हैं। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड, आप चल रहे होते हैं जब आप खड़े होते हैं, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, आप अपने हैट को कहाँ पर पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, इट मीन्स फीट पर पहनते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर करते हैं ये सब, टॉपसी टर्वी लैंड में। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू द पीपल वॉक इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में लोग किस तरीके से वॉक करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, लोग अपने सिर पर वॉक करते हैं, कहाँ पर, इन टॉपसी टर्वी लैंड में। क्वेश्चन इज वैन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं। आंसर इज द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल रात में जाते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट डू द पीपल डू व्हेन स्टैंडिंग, लोग क्या करते हैं जब खड़े होते हैं। आंसर इज द पीपल आर वॉकिंग व्हेन स्टैंडिंग, लोग चल रहे होते हैं जब वो खड़े होते हैं। नेक्स्ट इज वेयर डू पीपल वियर देयर हैट इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में लोग अपने हेड को कहाँ पर पहनते हैं। आंसर इज द पीपल वेयर देयर हेड अपॉन द फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में लोग अपने हेड को फीट पर पहनते हैं। नाउ क्वेश्चन इज राइट द राइमिंग वर्ड्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बच्चे यहाँ पर आप अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए राइमिंग वर्ड्स को लिखेंगे। फर्स्ट इज प्लेजर, तो जैसे कि प्लेजर का यहाँ पर दिया गया है राइमिंग वर्ड्स ट्रेजर, तो बच्चों पेज नंबर 113 से फाइंड आउट करके लिखना है। तो बच्चों तीसरा जो है राइमिंग वर्ड्स क्या है इससे मैच करता हुआ, मेज। नेक्स्ट इज वेयर, टीयर, स्टेयर, बच्चों यहाँ पर आप डियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट, कैंड, तो बच्चों इसका राइमिंग वर्ड है स्कैंड। टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, तो बच्चों इसका है कर्ली वर्ली। सैंड, लैंड, स्ट्रैंड। नाउ क्वेश्चन फोर, राइट फाइव थिंग्स यू डू टू कीप योर होम नीट एंड क्लीन, आप अपने घर को नीट और क्लीन रखने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर फाइव थिंग्स लिखनी है। तो बच्चों फर्स्ट है मॉप द फ्लोर, फ्लोर को साफ करते हैं घर को साफ रखने के लिए। कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखते हैं।
क्लीनिंग द डस्ट, घर में जो धूल होती है उसे साफ करते हैं। कीप द शूज इन द शू रैक, शूज को शू रैक में रखते हैं। क्लीन एंड चेंजिंग द बेडशीट, जो बेडशीट होती है उसे साफ करते हैं और चेंज करते हैं। क्वेश्चन इज राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर, दी गई इस पिक्चर की हेल्प से एक स्टोरी लिखिए। तो बच्चों स्टोरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ड्स दिए गए हैं हेल्प के लिए, अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज, हेयर प्राउड ऑफ इट्स स्पीड, खरगोश को अपनी स्पीड पर घमंड था, लाफ टॉर्टोइज स्लो स्पीड, और खरगोश जो है वो टॉर्टोइज की धीमी स्पीड पर हंसता था। चैलेंज अ रेस, उसने जो टॉर्टोइज था उसे एक रेस का चैलेंज दिया। हेयर फास्ट इन द बिगनिंग, शुरुआत में जो खरगोश होता है वो तेज़ दौड़ता है। टेक्स रेस्ट फॉल्स असली, फिर वो थोड़ा आराम कर लेता है और सो जाता है। टॉर्टोइज कंटिन्यू वॉकिंग, लेकिन जो टॉर्टोइज होता है वो कंटिन्यू इट मीन्स लगातार चलता रहता है। रीच द गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हेयर अशेम्ड, और जो खरगोश होता है वो शर्मिंदा महसूस करता है। तो बच्चों इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज लिव्ड इन द जंगल, एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ इट्स स्पीड, खरगोश को अपनी गति पर बड़ा घमंड था। ही लव्ड ऑन टॉर्टोइज स्लो स्पीड, वह हमेशा कछुआ की स्लो स्पीड पर हंसता था। वंस ही चैलेंज द टॉर्टोइज फॉर अ रेस, एक बार उसने कछुए को रेस के लिए चुनौती दी। द टॉर्टोइज अग्रीड, कछुआ सहमत हो गया। दे स्टार्टेड द रेस, उन्होंने रेस स्टार्ट की। द हेयर रेन फास्ट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में खरगोश तेज दौड़ा, बट द टॉर्टोइज वॉक्ड वेरी स्लोली, टॉर्टोइज बहुत धीमे चल रहा था। द हेयर टेक रेस्ट अंडर अ ट्री, खरगोश ने एक पेड़ के नीचे आराम किया। एंड सून फॉल अस्लीप, और जल्दी ही वह सो गया। बट द टॉर्टोइज कंटिन्यूड वॉकिंग, लेकिन कछुआ लगातार चलता रहा। स्लोली, धीरे धीरे, एंड स्टीडली, और स्थिर रूप से। एंड रीच द गोल, और अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। द टॉर्टोइज वॉन द रेस, कछुआ ने रेस को जीत लिया। एंड द हेयर असेम्ड, और जो खरगोश था वह लज्जित हो गया। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।